हाथे निकल गया, पूछ पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है, और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया, और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा, और जो विरोधी लोग हैं मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी, तो बहुत जोश है लोगों में। और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवा हवाई था, जमीन पे कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है, और एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की। आपके सामने कुमारी शैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं सांसद था, हमारे पत्थर और हमारी उपलब्धि देख लीजिए, और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके पत्थर ढूंढ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक बार मौका दिया यहाँ के लोगों ने। हम 45-50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए, और जब अब मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद है, तो लाखों करोड़ रुपए के फिर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। आज अभी गोविंद जी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे, किसी गांव में विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं, और ज्यादा मजबूती के साथ फिर हम मिलकर के प्रयास करेंगे, और ना केवल आज तीसरी बार देश के अंदर सरकार बने बल्कि प्रदेश में फिर दोबारा मनोहर लाल जी नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाने की ओर आज हमारा प्रदेश अग्रसर है, और किसान मजदूर हर वर्ग अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। कुछ गांवों का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गांव है उनका मुआवजा 23,000 रुपए प्रति एकड़, वो मुआवजा रिलीज किया है। आप लगा लीजिए, अगर किसी के 10 एकड़ जमीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5-2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं, किसी की ज्यादा है तो और ज्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, ऐसे चेक देते थे, वो किसान की तोहिन करते थे, किसान को कमजोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं, और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब दे। कांग्रेस के कुछ एक नेता यहाँ पर थे, लोकल विधायक तक यहाँ नहीं थे, आपको लगता है कि इसमें फूट है? देखिए, सबको पता है, ये मीडिया ने, आप लोगों ने क्यों हवा बना दी थी मुझे पता नहीं। जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, जिसके पास ना बूथ पे संगठन, ना गांव में वर्कर, ना लोगों के बीच में जाना आना, ना उनका यहाँ पर रहना, तो ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि हवा में जो है बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं होता। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को भी एक बार जमीन पे उतरना पड़ता है, तेल खत्म हो चुका है।